बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं नोट्राम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। समय हो चुका है सुपर फाइव का, यानी आज के पास बड़े खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहता है वो पांच बड़ी खबरें आप देखते हैं सुपर फाइव में। आज की पांच बड़ी खबर की ओर रुख करें तो आज दूसरे जिले भिंड में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाग लेगी आजाद समाज पार्टी। तीसरी बड़ी खबर, कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज करवाने की दूसरी एप्लीकेशन भी दायर। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन पर उतरेगा बहुजन समाज। चौथी बड़ी खबर, पंजाब में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर बसपा लगातार आंदोलन कर रही है। पांचवी बड़ी खबर, जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ये पांच बड़ी घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो अंबेडकर पीपुल्स वॉइस के पेज को लाइक करें, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को ट्विटर पर जाकर फॉलो जरूर जरूर कर ले। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर यही कि आज मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर दूसरे जिले भिंड से बहुजन समाज पार्टी के जिन दो नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया है आठ में से, उन दोनों ने भी दोनों प्रत्याशियों ने आपको बताने की कोशिश करूं तो चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। दोनों उम्मीदवारों ने प्रचार का आगाज कर दिया है। दोनों ने ही बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। बताने की कोशिश करूं तो भिंड जिले की दो सीट, जिसमें एक महगांव से बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है योगेश नरवरिया को, और गोद से जो है बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है यशवंत पटवारी को। दोनों ही नेताओं ने आज बहुजन समाज पार्टी के टिकट के बैनर तले प्रचार शुरू करने से पहले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया, रैली निकाली और आपको बता दें उसके बाद जनसभा करने के बाद दोनों ने ही प्रचार शुरू कर दिया है। इधर आपको बताने की कोशिश करें तो शेष सीटों के ऊपर जल्द ही बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी, ऐसा रमाकांत पिंपल बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक बयान के अंदर, एक व्यक्तित्व के अंदर उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि आजाद समाज पार्टी, उनकी पार्टी आगे आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भाग लेगी। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि पंचायत के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को टक्कर देने के लिए आजाद समाज पार्टी मैदान में खड़ी रहेगी। यानी कि आजाद समाज पार्टी ने साफ कर दिया कि आगे आने वाले हर चुनाव को वो उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लड़ेगी और उनके अंदर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो कंगना रनौत का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। बहुजन समाज के लोगों पर टिप्पणी करना, आरक्षण पर टिप्पणी करना, संविधान पर टिप्पणी करना अभिनेत्री कंगना रनौत को भारी पड़ सकता है। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पहले गुड़गांव के अंदर एक और मुकदमा दर्ज हुआ था और अब एक और एप्लीकेशन उनके खिलाफ दर्ज की गई है, जिसके अंदर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मिशन एट्रोसिटीज के प्रवीण गौतम ने एप्लीकेशन देते हुए या प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि कंगना रनौत के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो बहुजन समाज आंदोलन करेगा। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब के अंदर हुए छात्रवृत्ति घोटाले को या छात्रवृत्ति को लेकर चल रही समस्याओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। लगातार बहुजन समाज पार्टी का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर आज भी नवांशहर सहित कई जगह पर धरना प्रदर्शन किया। बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनको हटाया जाए उनके मंत्रिपद से, और छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर दी जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर, यहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बात करें पांचवी बड़ी खबर की तो जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। जेईई परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए अखिलेश यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि जेईई और नीट की परीक्षाओं को कोरोना वायरस के कारण स्थगित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का हालात है वो परीक्षा करवाने के नहीं है, ऐसे हालात में परीक्षा नहीं करवाई जा सकती। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आप सभी विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल